मुख्य सड़क वाड़ी में कोलिल लेआउट से वसंत विहार की ओर जाती है। सड़क कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है। सड़क की जर्जर हालत को देखते हुए वाड़ी नगर पालिका ने 2 माह पूर्व सड़क का काम पिसेन नामक ठेकेदार को सौंप दिया था। सड़क का काम शुरू हो गया था। इस सड़क को खड़गांव रोड कोलिल लेआउट लखन दुकान से गिरनार गोदाम तक बनाने का निश्चित किया गया। सड़क के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन जैसे जैसे सड़क बन रही थी स्थानीय लोगों का ध्यान सड़क गुणवत्ता व्यवस्था की ओर गया। राकपा कार्यकर्ता दिलीप दोरखंडे ने देखा कि रात में सड़क का काम चल रहा था। इतना जरूरी सड़क निर्माण कार्य क्या हो सकता है, कुछ तो खोट है, यह सोचकर उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। नागरिकों का आरोप है कि संबंधित ठेकेदार ने इस सड़क में भ्रष्टाचार की है। ठेकेदार ने गिट्टी का उपयोग केवल सड़क की इंच को बढ़ाने के लिए किया और सड़क के भविष्य के लिए रेत का उपयोग नहीं किया है, इसलिए सड़क खराब हो गई है और सड़क लंबे समय तक नहीं चलेगी। कोलिल लेआउट के निवासियों ने मुख्याधिकारी से मांग की है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की जाए और सड़क का निर्माण अनुमान के अनुसार किया जाए, क्योंकि सड़क का निर्माण नगर परिषद द्वारा तैयार विवरण के अनुसार नहीं किया जा रहा है और अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है तो कोलिल लेआउट निवासी नगर परिषद के सामने आंदोलन करेंगे, ऐसी नागरिकों ने इशारा दिया। मुख्याधिकारी ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल सड़क निर्माण रोक दिया और मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले ने कहा कि सड़क का निर्माण एसटीएम द्वारा किया जाएगा और इसका तत्काल पुनर्वास किया जाएगा। शिकायत की एक प्रति पूर्व वार्ड पार्षद श्याम मंडपे को सौंपी गई, जिन्होंने कहा कि यह शहर की एक महत्वपूर्ण सड़क है और इस पर कोई किल्लत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व पार्षद श्याम मंडपे, पत्रकार सौरभ पाटिल, अजय भांगी, नीतीश वाल्के, मारुति रेवतकर, कल्पना हारगुड़े, विजय भांगे, पार्वताबाई मेंडी, ओम प्रकाश शुक्ला, वैशाली शेंद्रे, गंगाधर कुबड़े, लदी तेड़े और अन्य ने शिकायत की है। मी रात्री वार्डातच्या दौरा करत असताना मी इथे पाहिलं की या खडगाव रोडवरच्या एक सिमेंटच्या रस्त्याचं काम सुरू आहे। त्या कामामध्ये एकदम रेती नाही, काही नाही त्या कामात, आणि पूर्ण गिट्टी आणि सिमेंट, रात्री 9 वाजता काम करण्याची काय गरज हे मी त्या कंट्रॅक्टरला विचारलं असताना त्यांनी काही उत्तर दिलेलं नाही। मी त्यांना त्वरित काम थांबवायला सांगितलं आणि याची कंप्लेंट मी संबंधित अधिकाऱ्यांना रात्रीच केली, त्याचे व्हिडिओ वगैरे काढून याची पूर्ण कंप्लेंट केली। त्या हा गावचा मेन रस्ता आहे, या रस्त्याने हेवी ट्रॅफिक खूप येतात आणि या प्रकारचे काम असले तर हा 2 महिनेसुद्धा राहणार नाही। बद्दल सुरू असलेल्या कामाची तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली आहे। तत्काळ मी त्या कंत्राटदाराकडून जे झालेलं काम आहे ते पुन्हा करायला त्यांना सांगितलेलं आहे। ॲक्च्युली त्या कंत्राटदाराने इंजिनियरच्या सुपरविजनमध्येच काम करावं आणि तो काम उत्कृष्ट आणि चांगल्या पद्धतीने होईल याची आम्ही दक्षता स्वतः घेणार आहोत आणि ते निकृष्ट दर्जा झाल्यास त्यांच्यावर आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार आहोत। त्याच्यामुळे या रोडचा असेल किंवा इतर कोणतेही रोड असेल ते इस्टिमेटनुसार आणि याच्यानुसारच होतात, न झाल्यास आम्ही सदर कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करतो आणि अशा पद्धतीने गुणात्मक आणि क्वालिटीचंच काम होईल याची दक्षता आम्ही स्वतः घेतोय। यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। मैंने गोतमारे को भी फोन लगाया, फोन उठाने को तैयार नहीं है कि हमारे घर के आगे और पीछे में बहुत सारा जंगल हो गया है। उस संबंधित बात करने पर ये लोग उठाने को तैयार नहीं है। फिर मैंने जुम्मा प्यारे लाल जी को भी हमने फोन लगाया, वो भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर डेंगू का इतना भयानक प्रकोप हो गया है कि आदमी किस तरह से बचे इसका कोई समाधान ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यही चाहता हूँ नगर परिषद से कि जल्दी से जल्दी से कार्य को स्वच्छता के अनुसार अच्छे से काम करें ताकि यहाँ के रहवासी को सुख और शांति का चमन अमन के साथ वो लोग अपना कार्य कर सके, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर नगर परिषद जो है अपने मनोअनुकूल वो लोग काम कर रहे हैं। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।